हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरीके की नाश्ते की रेसिपी लेकर आए। फ्रेंड्स, जब कभी आपके घर में कोई भी गेस्ट अचानक से आ जाए और आपके पास स्नैक्स बनाने के लिए घर में कुछ भी ना हो, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी लेकर आए फ्रेंड्स, जिसे आप घर पे रखे हुए कुछ सामानों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। खाने में ये इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड कि एक बार आपने इसे बना लिया तो ये आपका ज़रूर फेवरेट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं नाश्ता कैसे बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने दो उबले हुए आलू ले लिए फ्रेंड। अब आलू को क्या करना है फ्रेंड, ग्रेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेते हैं फ्रेंड। आप चाहे फ्रेंड मैशर की भी सहायता ले सकते हैं, मैशर से भी आलू को अच्छे से मैश कर सकते हैं, पर आलू को इसमें बिल्कुल भी खड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। साथ में मैं यहाँ पे मिक्स मसाला ऐड कर रही, सब्जी मसाला। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और इसमें फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल इंस्टेंट स्टफिंग है। इसमें आपको इसे ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए, हमने स्टफिंग हमने बना के तैयार कर ली है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे डो तैयार कर लेती हूँ नाश्ते के लिए। मैं यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर रही, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और यहाँ पे ऑयल, यानी कि एक चम्मच के लगभग ऑयल डाल करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फटाफट मैं इसे ऑयल के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूंथ करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड, जो हम आटा रेडी करते बिल्कुल वैसे जैसे आप रोटी के लिए आटा बिल्कुल रेडी करते, बिल्कुल वैसे हमें इसका आटा गूंथ करके बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेना है। देख सकते हैं, तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। तो रोटी के आटे से थोड़ा सा मैंने हल्का सा टाइट रखा है फ्रेंड, और ये देखिए आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और दूसरी तरफ चलिए फ्रेंड, अब इसे बना लेते हैं इस नाश्ते को। तो मैंने पूरा आटा एक साथ ले लिया है। अब इसे चकले पे रख के थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसे इस तरीके से इक्वल साइज से गोल एकदम करने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालूंगी और इसके बाद इसे बेल लेती हूँ फ्रेंड। तो फटाफट मैं इसे बेल लूंगी। बेलने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप रोटियां बनाते बिल्कुल वैसे ही इसे बेलना है। और ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। देख सकते हैं इसकी थिकनेस कुछ आपको इस तरीके से रखनी है, ज़्यादा पतला बिल्कुल ना कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी जो हमने पूरा रेडी किया था। पूरा स्टफिंग एक साथ डाल देना है आपको और इसके बाद अच्छे से आपको पूरे में अच्छे से फैला देना है। तो इसी तरीके से पूरे में अच्छे से आपको लगा देना है ये स्टफिंग। और ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरे में अच्छे से लगा दिया। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड, बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि घर के सामान से बना है फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ये देखिए। अब इसके बाद बेलन से मैं इसे थोड़ा सा बेल दूंगी, थोड़ा सा इसमें लंबा कर दूंगी इसे, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे इसे देखिए बेल करके बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं फ्रेंड, इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से नाइफ की सहायता से मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखिए, किनारे के साइड को मैं हटा दूँगी और इसे 2 इंच की दूरी पे इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे फटाफट फ्रेंड कट कर लेती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने इसे कट कर लिया। देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट इसके पीसेस आए हैं। तो अब मैं इसे डायरेक्टली इसे फ्राई करूँगी। तो पहले मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, आपको इसे स्टीम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाउल में 2 चम्मच मैं यहाँ पर मैदा ले लूँगी, साथ ही मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल ना डालिएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालते हुए। ये कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पे बैटर बना लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो इस तरीके से एक पीसेस इसको आपको इसमें डालना है और इस तरीके से आपको डिप कर लेना है, ये देखिए।
तो अब चलते इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया, इसमें हमने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से एक एक पीसेस इसमें डालते जाएंगे, ये देखिए। तो बस इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा, इसे फ्राई कर लीजिए, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरीके से उलट पुलट करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे फ्रेंड। हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ देखे फ्रेंड, हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया। बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंड ये नाश्ता बनाया, और मैं इसे अब निकाल ले रही हूँ। काफ़ी प्यारा सा कलर आ चुका है, बस इसी तरीके से आपको निकाल लेना। ज़्यादा ड्राई बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो टेस्ट अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। और ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी गेहूँ के आटे का नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस नए तरीके की स्नैक्स की रेसिपी को फ्रेंड जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड ये रेसिपी। अगर फ्रेंड्स आपको ये आज की रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और भी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी नई रेसिपी देखने को मिलेंगी फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।